subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, भारत सरकार के सभी उपस्थित उच्चाधिकारी, उद्योग जगत के सभी साथी, नमस्कार। मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए सभी अहम स्टेक होल्डर्स आज यहां मौजूद है। इस सेमिनार के आयोजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां हो रहे इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उनसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गति मिलेगी। और आप सबने जो सुझाव दिए हैं, आज आपने एक सामूहिक मंथन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ जी इस काम के लिए मिशन मोड में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके इन अथक प्रयासों के कारण बहुत ही अच्छे परिणाम मिलना निश्चित है। साथियों, यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुख देश रहा है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ्य था। उस समय भारत में 100 साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इकोसिस्टम था और भारत जैसा सामर्थ्य और पोटेंशियल बहुत कम देशों के पास था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले 50 साल में हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता
हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी। श्रद्धेय अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुआत हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, वहां जो काम करने वाले लोग थे, जिनके पास टैलेंट थी, कमिटमेंट था, मेहनती थे, ये हमारा बहुत ही अनुभव से संपन्न, हमारा जो मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग वहां जो है, उनका तो बहुत नुकसान हुआ। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उसका इकोसिस्टम बहुत ही सीमित रहा। अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉरपोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर श्रमिकों और सेना दोनों को बल मिलेगा। यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है। साथियों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत में या फिर कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए हैं। CDS के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में प्रोक्योरमेंट्स पर समन्वय बहुत बेहतर हुआ है। इससे डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के कैपिटल बजट का एक हिस्सा अब भारत में बने उपकरणों के लिए अलग से रख दिया गया है। हाल में आपने देखा होगा कि 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा। इसमें और आइटम्स जुड़ते रहेंगे। इस लिस्ट का उद्देश्य आयात को रोकना मात्र नहीं है, बल्कि भारत में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे आप सभी साथियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, MSME हो, स्टार्टअप हो, सभी के लिए सरकार की भावना और भविष्य की संभावना अब आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है। इसके साथ
हम प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए, टेस्टिंग की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को रेशनलाइज करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इन सभी प्रयासों को सेना के तीनों अंगों का बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में बहुत ही सहयोग है, एक प्रकार से प्रोएक्टिव भूमिका है। साथियों, आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जरूरी है। जो उपकरण आज बन रहे हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने पर काम करना भी आवश्यक है और इसके लिए डीआरडीओ के अलावा प्राइवेट सेक्टर में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सुविधा से हटकर फॉरेन पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से को प्रोडक्शन के मॉडल पर बल दिया जा रहा है। भारत के मार्केट साइज को देखते हुए हमारे फॉरेन पार्टनर्स के लिए अब भारत में ही प्रोडक्शन करना सबसे उत्तम विकल्प है। साथियों, हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। रेड टेपिज्म कम करना और रेड कारपेट बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किए गए हैं उनका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, यहां तक कि स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे बहुत कठिन और जटिल ऐसे जो विषय माने जाते हैं उन विषयों पर भी हमने रिफॉर्म्स करके दिखाए हैं। और आप तो अब भलीभांति जानते हैं, पिछले दिनों लेबर लॉज में रिफॉर्म्स का सिलसिला भी लगातार जो शुरू हुआ है चल रहा है। कुछ साल पहले तक इस प्रकार के विषयों पर सोचा भी नहीं जाता था और आज ये रिफॉर्म्स जमीन पर उतर चुके हैं। रिफॉर्म्स का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं और इसलिए न थमना भी है और न थकना भी है। न मुझे थकना है, न आपको थकना है, हमें आगे भी आगे बढ़ते रहना है। और हमारी तरफ से मैं आपको बताता हूं, यह हमारा कमिटमेंट है। साथियों, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े एंटरप्राइज लीडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेस की जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 से अधिक स्टार्टअप्स ने सैन्य उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को विकसित किया है। साथियों, मैं एक और बात आपके सामने खुले मन से रखना चाहता हूं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प इनवर्ड लुकिंग नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलियंट, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। यही भावना
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। भारत में अपने कई मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरण का एक भरोसेमंद सप्लायर बनने की क्षमता है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बल मिलेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका और सुदृढ़ होगी। साथियों, सरकार के प्रयास और प्रतिबद्धता आप सभी के सामने है। अब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या फिर हमारे फॉरेन पार्टनर्स, आत्मनिर्भर भारत सभी के लिए विन विन संकल्प है। इसके लिए आपको एक बेहतर इकोसिस्टम देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहां आपकी तरफ से जो भी सुझाव आए हैं वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं और मुझे बताया गया है कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट सभी स्टेक होल्डर्स के साथ साझा किया गया है। आपके फीडबैक से इस पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करने में मदद मिलेगी। यह भी जरूरी है कि आज का यह सेमिनार एक वन टाइम इवेंट न रहे बल्कि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहें। इंडस्ट्री और सरकार के बीच लगातार विचार विमर्श और फीडबैक की स्वाभाविक कल्चर बननी चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसे सामूहिक प्रयासों से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। मैं फिर एक बार, आप सबने समय निकाला आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मविश्वास के साथ आप जुटे। मुझे विश्वास है कि आज जो संकल्प हम सब ले रहे हैं इसको पूर्ण करने में हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी बहुत खूब अच्छे ढंग से निभाएंगे। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।